नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूं। आज मैं फिर से लेकर आई हूं केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी। आज की जानकारी जो मैं आपको देने जा रही हूं वह है केंद्रीय विद्यालय दाखिला की कम से कम उम्र और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र से संबंधित। इसीलिए मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगी कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। और यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि शिक्षा संबंधित सही जानकारी और दाखिला संबंधित नई जानकारी मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ हमेशा से आपके लिए लाती रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अपने बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में दाखिला करवाने के लिए आप आंकलन 31 मार्च पर रखकर करेंगे। जिस साल बच्चे का दाखिला होने जा रहा है उस साल की 31 मार्च पर रखकर बच्चे की उम्र का आंकलन किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर 2021-22 में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र का आंकलन आप 31 मार्च 2021 को ध्यान में रखते हुए करेंगे। अगर आप अपने बच्चे का दाखिला उससे अगले साल यानी कि 2022-23 के सत्र में करवाएंगे तो आप 31 मार्च 2022 पर रखकर अपने बच्चे की उम्र का आंकलन करेंगे। तो अब मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि बच्चों की कम से कम उम्र और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र क्या होनी चाहिए। यदि आप अपने बच्चे का दाखिला कक्षा पहली में करवाना चाहते हैं तो आपके बच्चे की कम से कम उम्र 31 मार्च को 5 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 5 से कम नहीं होनी चाहिए और 7 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 से कम नहीं होनी चाहिए यानी कि 5 से ज़्यादा और 7 से कम। दूसरी कक्षा में दाखिले के लिए 6 से ज़्यादा यानी कि 6 से कम नहीं होनी चाहिए और 8 से कम। और तीसरी कक्षा में 7 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 9 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चौथी में 8 से कम नहीं होनी चाहिए और 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पाँचवीं में 9 से कम नहीं होनी चाहिए, 11 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। छठी में 10 से कम नहीं होनी चाहिए, 12 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सातवीं में 11 से कम नहीं होनी चाहिए, 13 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आठवीं में 12 से कम नहीं होनी चाहिए, 14 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नौवीं में 13 से कम नहीं होनी चाहिए, 15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दसवीं में 14 से कम नहीं होनी चाहिए और 16 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि वह बच्चे जो दिव्यांग हैं, जिन्हें हम डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन या फिर स्पेशल चिल्ड्रन कहते हैं, उन्हें मैक्सिमम एज यानी अधिकतम उम्र में दो साल की रिलैक्सेशन मिल सकती है प्रिंसिपल के द्वारा, स्कूल की प्रिंसिपल के द्वारा जिस केंद्रीय विद्यालय में वे दाखिला लेने जा रहे हैं। यदि उसकी प्रिंसिपल अलाउ करती है तो उन्हें 2 साल तक की अधिकतम उम्र में छूट मिल सकती है, लेकिन न्यूनतम उम्र में नहीं मिल सकती। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी कि कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में कम से कम उम्र और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र का कोई भी नियम केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा तय नहीं किया गया है। आपने देखा होगा जब मैंने अभी आपको कक्षा पहली से कक्षा 10वीं में दाखिले के लिए बच्चों की न्यूनतम उम्र और अधिकतम उम्र के बारे में बताया तो मैंने 11वीं और 12वीं के बारे में नहीं बोला, क्योंकि कक्षा 11वीं और 12वीं की न्यूनतम और अधिकतम उम्र की कोई भी सीमा केंद्रीय विद्यालय संगठन ने तय नहीं करी है। उन्होंने सिर्फ एक नियम रखा है इसके संबंध में। नियम ये कि जिस वर्ष कक्षा 10वीं का नतीजा निकल देगा, जिस वर्ष कक्षा 10वीं के बोर्ड का रिजल्ट आएगा, बच्चे का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में उसी वर्ष कक्षा 11वीं में होना चाहिए। मतलब कि बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कक्षा 10वीं का रिजल्ट इस साल आया है और बच्चा अगले साल केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए अप्लाई कर रहा है तो ऐसे में दाखिला नहीं मिलेगा। साथ ही कक्षा 11वीं में दाखिले के लिए कक्षा 12वीं में दाखिले के लिए जिस साल कक्षा 11वीं का रिजल्ट आया है उसी साल कक्षा 12वीं में दाखिला बच्चे को लेना होगा। इसमें भी गैप नहीं होना चाहिए। मतलब कि पहली से 10वीं की उम्र की सीमा केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्धारित की गई है, 11वीं और 12वीं में कोई उम्र की सीमा नहीं रखी गई है। सिर्फ ये कहा गया है कि पिछली कक्षा का रिजल्ट उसी साल आया हो जिस साल बच्चे ने दाखिला लेना है, और वह बच्चे जो दिव्यांग हैं उनके लिए न्यूनतम उम्र में तो कोई छूट नहीं दी है केंद्रीय विद्यालय संगठन ने, लेकिन अधिकतम उम्र में 2 साल की छूट यदि स्कूल के प्रिंसिपल चाहे तो वह दे सकती है। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा
और फिर से आपको बताना चाहूँगी कि यदि बच्चा मतलब आप बच्चे यदि आप बच्चे की उम्र का आंकलन करना चाहते हैं तो आप 31 मार्च पर रख कर करेंगे जिस साल बच्चे दाखिला केंद्रीय विद्यालय में लेने जा रहा है उस साल की 31 मार्च पर रखकर आप बच्चे की उम्र का आंकलन करेंगे। उम्मीद करते हैं उस जानकारी से आपको लाभ होगा। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका है तो नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, कोशिश करूंगी उस पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊं। और आप चाहते हैं किसी और विषय पर केंद्रीय विद्यालय से संबंधित मैं वीडियो लेकर आऊं या फिर किसी और स्कूल के दाखिले से संबंधित आपके लिए वीडियो लेकर आऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं, कोशिश करूंगी आपके कहे अनुसार वीडियो जल्द से जल्द लाऊं। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।